बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 8 जूल पर टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करेंगे एक शॉर्ट बार मैग्नेट. सो इस शॉर्ट बार मैग्नेट में जब हम डाइपोल्स दिखाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस मैग्नेट, दैट इज ओ मान लेते हैं. अब इस लाइन को हम बोलेंगे, जो लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लाइन. सो बच्चों, इस लाइन पर इसके सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, मान लेते हैं पॉइंट पी. तो हम इसको 2 मीटर को मानेंगे आर, और इस लाइन को हम क्या कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लाइन. सो बच्चों, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है हमें इस मैग्नेट का 8 जूल पर टेस्ला. इसकी लेंथ दैट इज ट्वाइस एल, द लेंथ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू है 2 मीटर. एंड हमें फाइंड करना है द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट इज बी पी. सो एक्सप्रेस करते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब से. तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू है 10 to the power -7, एम की वैल्यू है 8, आर क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब. सो दिस विल बी 10 to the power -7 टेस्ला. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. थैंक यू.